विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर निजी होटल में वरिष्ठ छाती व टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएन अग्रवाल द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सदर सांसद रविकिशन शुक्ला को बुके एवं पौधे से स्वागत किया गया, जिसके संबंध में वरिष्ठ छाती व टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएन अग्रवाल ने बताया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरे विश्व में 1972 से यह दिवस मनाया जाता है। वायु प्रदूषण आज भारत ही नहीं अपितु विश्व की एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से श्वास रोगी ही नहीं अपितु आम जनमानस भी प्रभावित हो रहा है। गाड़ियों का धुआं, रोड पर उड़ती धूल, सड़क पर जलाया जा रहा कचरा, शहरों में बढ़ता जाम भयंकर बीमारियों का जन्मदाता हो रहा है। इसलिए वायु प्रदूषण हमारे जीवन के लिए खतरा बन गया है और हमारे वायुमंडल में मौजूद शुद्ध वायु का होना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए वायु रहित स्थान पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव वायु के बिना 5 से 6 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि गोरखपुर वासियों को भी जागरूक किया गया है कि कैसे पर्यावरण को बचाना है, कैसे वृक्षारोपण करना है और इसका संरक्षण कैसे करें। इस अवसर पर डॉक्टर अश्विनी मिश्रा, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर रत्नेश तिवारी, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ छाती व टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी एन अग्रवाल ने कहा, मेरा जहाज इन्होंने छुड़वा दिया। मैं आज इस विश्व पर्यावरण दिवस environmental day in which we have to be really, really worried about the future of our children. We know अपने बच्चों को what are we giving. Our forefathers, our fathers have given us everything, but we should also think about our coming generation, which we don't, because most of the time we are either busy in earning money, either we are busy in just thinking about ourselves or day to day life. We never think about the future of a generation of the country. There's so many buildings being erected and there's every day there's demolition, and you can see there's global warming. So we have a high time, we should just take this as a big warning call. This Yashasvi Pradhan Mantri, Prime Minister Mr. Modi ji also thinks and he worries all the time. We have about the future of our country. आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरे विश्व भर 1972 से 5 जून को ये मनाया जाता है। पिछले 5 साल से हम लोग यहाँ गोरखपुर में इसको मना रहे हैं। कोविड नाते पिछले 2 साल से ऑनलाइन काम करना पड़ा हमें
परंतु अब फिर कोविड चला गया है तो हम इस मुहिम में फिर से छिड़े हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि गोरखपुर की जनता, गोरखपुर के सब लोग इस बात को जानें कि पर्यावरण को क्या समस्याएं हैं, कैसे पर्यावरण बचाना है, कैसे वृक्षारोपण करना है, जल का संरक्षण कैसे करें आदि, इन सब चीज़ों के लिए हम जानें, जानकारी बढ़े और जिससे हम लोग प्रेरित होकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।